गुड मॉर्निंग स्टूडेंट यू नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर सेवन चैप्टर सेवन इंडिकेशन एक्सरसाइज सेवन डी ऑलरेडीडीड वी हैव डन ए बी सी इसमें क्या है हमारे पास फॉर्मूले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं लास्ट वीडियो में अगर आपको उसका प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कीजिए बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर में प्रूफ भी आ सकते हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट है इंडिकेशन का साइन डी एस एपन में रूट ऑफ एक्सक्वायर प्लस वन सिक्सटीन है तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम फोर का स्क्वेयर लिख सकते हैं ठीक है तो इंडिकेशन डी एक्स एपन में एक्सक्वायर प्लस फोर स्क्वायर इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूँ फोर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में क्या डी एक्स एपोन में ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर फर्क कुछ नहीं है वैसे सिंपल तो फॉर्मोला होता है वन अपॉन ए ट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी ए कौन है फोर जस्ट एक्स और एक्स सी है तो ये आपका आंसर नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ द मतलब इंटीग्रेशन का साइन या इंटीग्रेशन ऑफ द डी एक्स एपोन में रूट ऑफ फोर माइनस स्क्वायर है माइनस है अगर आपको डेरिवेटिव से कंपेयर करना है तो अगर हमारे पास डी एक्स अपन में वन माइनस स्क्वायर होता तो हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स तो यहाँ पे ए स्क्वायर है टू का स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर है तो फॉमूला हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स अपॉन्ट ए प्लस सी ए कौन है टू बस सिंपल नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ द साइन इंटीग्रेशन ऑफ द दिस वन फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर ये स्टेटमेंट आपकी अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम देखें तो यहाँ पे ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र लग सकता है पर वहाँ पे एक्स स्क्र का ऑप्शन वन होता है तो हम नाइन को डिनोमिनेटर को नाइन से डिवाइड कर देंगे यूँ बोल दो नाइन कॉमन ले लिया तो हमारे पास आगे वन अपॉन्ट नाइन डी एक्स अपॉन में फोर अपॉइंट नाइन प्लस एक्स स्क्र यहाँ पे नाइन से नाइन डिवाइड करेंगे तो फोर अपॉइंट नाइन नाइन से नाइन कट कट, कट कट हो गया इसको लिख सकते हैं हम टू बाई थ्री का स्क्वायर ये दिस वन फॉर्मूला हमारे पास क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला तो टेन वाला है अगर आपको ये भी याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉइंट वन प्लस एक्स तो वन अपॉइन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी वन ए हो गया थ्री बाई टू यहाँ पे वन अपॉइंट नाइन बाहर था कैंसिल करेंगे तो वन अपॉइंट सिक्स आ गया टेन इनवर्स थ्री एक्स अपॉइन्ट टू प्लस सी आ गया जैसे अगला है हमारे पास क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ द वन अपॉन एक्स स्क् प्लस टू एक्स प्लस टू डी एक्स है तो एक्स स्क् प्लस टू एक्स प्लस टू को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वन ये तो बन गया ए प्लस बी का होल कर यानी एक्स प्लस वन का होल कर प्लस वन अब यहाँ पर एक्स प्लस वन है हमारे क्वेश्चन में होता है एक्सक्वायर प्लस तो इसको सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लिखने के लिए एक्स प्लस वन को टी लेट कर लिया तो डी एक्स आ गया डी टी ये जरूर करना है अपने स्टेप तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन डी टी में सारा टी में चेंज हो गया तो यहाँ भी डी टी हो जाएगा क्योंकि डी एक्स से पूरा डी टी आ गया टी स्क्र प्लस वन स्क्वायर तो वही ए स्क्र प्लस एक्सक्यर वाला फॉर्मूला लग जाएगा टैन यूनवर्स डी प्लस सी टी की वैल्यू आउटपुट करके आएंगे क्योंकि वो हमारा जम वैल्यू है हमने खुद ज्यूम किया अगला है इंडिकेशन का साइन डी एक्स सम में रूट ऑफ फोर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए नीचे रूट में प्लस हो जाए तो उसका फॉमूला चेंज हो जाता है पहले तो उसको ए स्क्र प्लस के फॉर्म में बना लिया वो क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी अब अगला भी ऐसा ही है यहाँ पे बस माइनस आ गया डी एक्स अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है हमें तो ए स्क्वायर फाइव है ट्वेंटी फाइव है तो यहाँ फाइव का स्क्वायर बन गया ठीक है एक्स्क्र माइनस ट्वेंटी फाइव इसको ए स्क्वायर मतलब फाइव स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया अब फॉर्मूले में माइनर सा चेंज है यहाँ पे एक्स प्लस दिस वन था यहाँ पे एक्स प्लस रूट ऑफ दिस वन बन जाएगा ठीक है मतलब वही एक्स स्क्र माइनस ए थोड़ा माइनर चेंज बस यही है अब है सेम क्वेश्चन बस फर्क क्या है वन अपॉन की फॉर्म में नहीं है रूट ऑफ़ ए स्क्वेयर माइनस एक्स्कयर की फॉर्म में बन जाएगा तो थोड़ा याद करने का तरीका है साइन इनवर्स एक्स वाला जो था हमारा उसी से थोड़ा कंपेयर कर लेंगे ठीक है तो हमारे पास रूट ऑफ क्या हो गया टू स्क्र माइनस एक्सक्र डी एक्स है तो फॉर्मूला हो गया एक्सअपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्यर माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्यर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी ठीक है तो ए कौन है हमारा टू टू का स्क्वेयर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्सअपॉन ए प्लस सी यहाँ पर बन गया एक्स अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्वायेयर उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में एक्स सिक्स प्लस वन ठीक है तो इसमें हम लोगों ने क्या किया इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्सक्वायर अपॉन में एक्स सिक्स प्लस वन है तो ऊपर आपको दिख रहा है किस क्यूब का डेरिवेटिव है थ्री एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब को हम टी पुट कर देते हैं और इसको लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब का स्क्वायर ठीक है एक्स क्यूब को टी पुट किया तो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बन गया तो हमारे पास आ गया थ्री एक्स स्क्यर डी एक्स अपन में एक्स क्यूब का स्क्वायर जब से को एक्सक्वर ऐसे लिखेंगे तो डी टी अपन में टी स्क्र प्लस वन हो गया इसको हम लिख सकते हैं डी टी अपन में टी स्क्र प्लस वन स्क्र वही आपके पास फॉमूला बन जाएगा एक्स स्क्वर प्लस ए स्क्यर वाला ठीक है यानी कि आपके पास ये फॉर्म थी तो टेन इनवर्स t प्लस सी हो गया t की वैल्यू पुट कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स माइनस वन अपन में रूट ऑफ एक्स स्क् प्लस वन डी एक्स अंडरस्टूड है हम इसको अलग अलग डिवीजन कर सकते हैं मैंने यहाँ पे की भी हुई है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सअपन में दिस वन और माइनस वन ऑपन में दिस वन ओके सो जो अब एक्सअप में बना था तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर बना सकते हैं टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये बन गया ये एज इट इज़ दूसरे वाला आपके पास ठीक है ये देखिए तो वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन डी एक्स तो सेम ही है यहाँ पे डेरिवेटिव बन गए इसको हम ऊपर लेके माइनस पर बन गई पावर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में पड़ा हो तो इंडिकेशन में रूल होता है हम पहले कर चुके हैं तो वो क्या होता है एक्स स्क्र प्लस वन एन प्लस वन जो फंक्शन होता है उसकी पावर प्लस हो जाती है ठीक है यहाँ पर हमारे पास फॉमूला ही लग गया वन अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स वाला तो ये पूरा फंक्शन सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा गॉट इट क्योंकि यहाँ पे माइनस हाफ प्लस वन है माइनस हाफ प्लस वन है तो प्लस हाफ बन जाएगा और टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा सॉल्व करके नेक्स्ट अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको दे रखा है गाइडलाइंस के अंदर कि अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो इंडिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेट इज वन एंड डिनोमिनेटर इज होमोजीनियस फंक्शन इज ऑफ द सेकंड डिग्री इन साइन एक्स एंड कॉस एक्स ठीक है मतलब हमारे पास इस तरह का हो ऑफ़ तो वन अपॉन ए साइंस कर एक्स प्लस बी कॉस कर एक्स है या ए प्लस बी कॉस कर एक्स है या ए प्लस बी साइंस स्क्र एक्स है या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर है या ए प्लस बी साइंस एक्स सी कॉस स्क्वायर प्लस सी कॉस कर एक्स इस तरह के क्वेश्चन हों तो आपने क्या करना है ऊपर वन हो नीचे हमारे पास इस तरह के फंक्शन हो तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया डी एक्स अपॉन में फोर साइंस स्क्वायर एक्स प्लस फाइव कॉस एक्स है तो आप क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे कॉस कर एक्स डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास क्यों क्योंकि ये बन जाएगा सेक ये इट इज टेन एक्स को पुट कर दो बस उसके बाद क्या इजी हो जाता है क्वेश्चन जब हम टेन एक्स को पुट करेंगे एक्सक्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा ऊपर डी टी बन गया नीचे फोर टी स्क्र प्लस फाइव बन गया अब फोर टी स्क्र प्लस फाइव है तो हमें पता है एक्सक्वेयर प्लस ए वाला फॉमला लग सकता है ठीक है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे फोर कॉमन ले लेंगे ये चीज़ बन गई तो वन पॉइंट फोर ऑफ डी टी टी स्क्र फाइव फोर को लिख सकते हैं रूट फाइव बाई टू का होल स्क्वायर फॉमूला हमारे पास क्या होता है टेन uh, इनवर्स वाला ए स्क्वायर प्लस की फॉर्म में है अगर हम कंपेयर करें डेरिवेटिव से तो वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्सक्वायर है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा वन अपॉन ए टेन यूनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी वन अपॉन ए है सॉरी क्योंकि ये तो वन अपॉन फोर ऑलरेडी पड़ा था ठीक है तो वन अपॉन फोर वन अपॉन ए टेन यूनिवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा वन अपॉइन्ट टू रूट फाइव टेन यूनिवर्स टेन एक्स टी की वैल्यू पुट कर दी रूट फाइव टू है प्लस सी ऊपर ले जाएंगे तो फंक्शन आपका टू टेन एक्स अपॉइन ए रूट फाइव बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने इंटीग्रेशन ऑफ द रूट ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स है तो इसमें आप क्या करेंगे रूट ऑफ वन प्लस एक्स रेशनलाइजिंग बोल दो या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बोल दो ये आ गया तो ऊपर बन जाएगा वन प्लस एक्स नीचे बन जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो अलग अलग डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा अब उसके बाद वन अपॉन रूट ऑफ वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्र डी एक्स बन जाएगा यहाँ बन जाएगा अब देखो एक्स अपॉन में रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्र है इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेरिवेटिव तो बन जाएगा पर माइनस में चाहिए ना क्योंकि वन माइनस एक्सक्र का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस टू एक्स होता है तो माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हमारे पास फिर ये बन जाएगा एक सेकेंड यहाँ पर हमारे पास है वन अपॉइंट टू इंटीगेशन ऑफ माइनस टू एक्स साथ में यहाँ पर पता क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ डी एक्स है ठीक है तो यहाँ तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्यर माइनस एक्स स्क्वायर वाला डाटे साइन यूर्स एक्स अपॉन ए प्लस जो भी माइनस प्लस सी होता है यहाँ पे तुम्हारा माइनस में चल के फिर सी आएगा माइनस हाफ यहाँ पे माइनस टू से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो प्लस से माइनस बन गया था क्योंकि इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए वही फिर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में पड़ा हो तो पावर वन प्लस हो जाती है प्लस सी वो तो आना ही दे ठीक है साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ इन टू ये बन जाएगा टू ओ वन तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास टोटल तो इस तरह से आपकी ये सेवनथ जो एक्साइज थी डी हो जाएगी ठीक है मैंने हर तरह का क्वेश्चन पिकअप कर लिया और सारे अनसोल्डी सॉल्व किए हैं उसके बाद आपको ई e और एफ़ करवाएंगे आपकी प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड हैं कुछ आपकी थैंक यू ऑल